हेलो, नमस्कार दोस्तों। 10 अप्रैल 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज एक जो आर्टिकल है, सबसे पहले वह है डाटा के बारे में, डाटा प्रोटेक्शन के बारे में, या डाटा का किस तरीके से यूज हो रहा है उसके बारे में। इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। तो देखो, इस आर्टिकल में बेसिक जो दो चार पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सारे रिवाइज हो रहे हैं कि भाई डाटा का किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके से बिग डाटा जनरेट किया जाता है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। थोड़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं समरी के लिए कि भाई ये ऐसे ऐसे आर्टिकल है। देखो, इसमें बताया गया कि देखो जब भी इलेक्शन आते हैं स्टेट इलेक्शन में, तो डाटा का यूज वो बड़े लेवल पे होता है। आप खुद एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि जो ही कहीं भी इलेक्शन आने लगते हैं, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बसों के ऊपर प्रचार वगैरह है वो शुरू हो जाता है। दीवारों पे, यहाँ पे जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस होती है, मतलब जहाँ पे बस स्टॉप वगैरह होते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह, वहाँ पे क्या कि बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर लगा के लोगों की जो चॉइस है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश वो की जाती है पॉलिटिशियंस के द्वारा। इसी के साथ जो मार्केटिंग जो कंपनी है वो भी काफी इस तरीके का काफी यूज करती है। जैसे हम कई बार कोई टिकट वगैरह बुक करते हैं तो हमारे पास ओला उबर के मैसेज आते हैं कि हाँ आप कैब बुक वगैरह कर लीजिए, होटल वगैरह बुक कर लीजिए। तो वो सारा क्या कि एक डाटा का ही तो यूज हो रहा है ना। तो राइटर के द्वारा बताया जा रहा है किस तरीके से डाटा को यूज करके लोगों की चॉइस उसको मैनिपुलेट किया जाता है, और लोगों को फैसिलिटी भी प्रोवाइड है वो इवन करवाई जाती है। इसी के साथ कई बार सिक्योरिटी के लिए भी यूज किया जाता है कि कहीं अगर कोई सिक्योरिटी का थ्रेट वगैरह होता है तो डाटा अगर लीक होता है या उस डाटा का यूज करके जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ये पता लगाती हैं कि अच्छा भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, और उसके आधार पर एक्शन वगैरह वो लेती है। तो मैंने इस आर्टिकल में इस तरीके कुछ बेसिक पॉइंट्स वो बताए गए हैं जो हमने यहाँ पे एक बार रिवाइज के तौर पर देख लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। जो आज का मेन आर्टिकल है वो है इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं ओली साहब, वो इंडिया की विजिट पे आए हैं, और नेपाल के जो प्रधानमंत्री ओली साहब हैं वो सेकंड टाइम इलेक्टेड हुए हैं। और ये नेपाल की प्रथा रही है स्टार्टिंग से ही कि वहाँ पे जब भी कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहले वो इंडिया विजिट पे आते हैं। तो उसी के तहत वो इंडिया विजिट पे आए हैं, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो भी डिफरेंसेज हैं वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि देखो, इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस बार की जो विजिट है ना उसमें एक मेनली फोकस किया गया है, वो किया गया है केवल और केवल पॉजिटिव इश्यूज पे। मतलब जो इशू इंडिया और नेपाल के बीच में एक तरीके से विवाद खड़ा कर सकते हैं या डिफरेंसेस पैदा करते हैं, उन इश्यूज को इस बार की डिस्कशन में, इस बार की जो यात्रा थी प्रधानमंत्री ओली साहब की, उस पर उनको तवज्जो दिया ही नहीं गया। मतलब साफ ये है कि जो पॉजिटिव बातें हैं जिनसे इंडिया और नेपाल दोनों के रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं, उन चीज़ों पर यहाँ पे फोकस वो किया गया है। अब देखो, राइटर थोड़ा बैकग्राउंड भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इंडिया और नेपाल के रिलेशन है वो खराब क्यों हुए। मैंने इंडिया और नेपाल के रिलेशन तब खराब हुए थे जब लास्ट टाइम पे ओली साहब प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए थे, और उसके बाद नेपाल में नया संविधान वो बनाया गया था। अब इश्यू ये हुआ था कि जब नेपाल में नया संविधान बना था, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम पे जो मधेशी लोग रहते थे, जो कि आप ये समझ सकते हो कि इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर वाले एरिया में जो प्लेनी एरिया है वहाँ पे रहते थे मधेशी लोग, तो इनको एक्चुअली राइट्स वगैरह नहीं दिए गए थे। तो इनका इश्यू था, तो इसकी वजह से मधेशी लोगों ने क्या कि ब्लॉकेट वगैरह ऐसा कुछ लगा दिया था। अब देखो, इंडिया का ऐसा कहना कि जो ब्लॉकेट लगा था उस टाइम पर उसमें इंडिया ने कोई मतलब सपोर्ट नहीं किया, बट ना ही इंडिया ने इसको कभी एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इस वजह से मामला क्या कि दोनों के बीच में विवाद हो गया, क्योंकि नेपाल को लगा कि भाई इंडिया ने एक तरीके से इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा दिया, तो वहाँ पे जरूरतमंद की चीज़ें वो नहीं पहुँच पा रही थी। और आपको पता है कि नेपाल में मैक्सिमम चीज़ों की सप्लाई वो इंडिया के थ्रू होती है, तो नेपाल को ऐसे लगा कि यार हम तो सोवरन कंट्री हैं और हमारे ऊपर तो इंडिया मनमानी करा, जो कि कहीं ना कहीं हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है। तो इसीलिए हुआ क्या, वहाँ पे एंटी इंडिया के खिलाफ माहौल वो बनता गया, और जनता में भी एक तरीके से एंटी इंडिया माहौल और ज़्यादा बढ़ता गया कि यार इंडिया हमें जरूरत की चीज़ें ही नहीं दे रहा है, तो हमारे लिए ये वो है। तो माहौल क्या उस तरीके से खराब हो गया, और कुल मिला के बात क्या हुई कि इंडिया और नेपाल के बीच में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और एक तरीके की लंबी खाई होगी। और इस चीज़ का फायदा उठाया चाइना ने। चाइना तो आपको पता है हमेशा ही मौके की तलाश में रहता है कि भाई जब भी उसको मौका मिले तो फायदा उठा ले, और चाइना ने इस मौके का फायदा उठाते हुए नेपाल के साथ काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हैं वो भी साइन वाइन कर लिए, और नेपाल मतलब अपनी एक्सेस वगैरह को बढ़ाना शुरू कर दिया, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह के थ्रू इंटरनेट की एक्सेस है वो देना शुरू कर दिया। इसी के साथ वहाँ पे नई रेलवे लाइन है उनकी भी स्थापना करना चाहता है लुम्बिनी के वाले रेलवे पर, ताकि नेपाल में चाइना की दबदबा और ज़्यादा बढ़ता जाए। तो ये सारा पॉइंट्स यहाँ पे है जो बैकग्राउंड के तौर पे हमने एक बार डिस्कस है वो कर लिया। अब देखो, राइटर जो मैन यहाँ पे आर्टिकल का फोकस है वो इसी चीज़ पे रहा है कि देखो यात्रा के दौरान जो इस बार अभी ने डिस्कस भी किया था कि पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस ज़्यादा रहा है। कौन कौन से पॉजिटिव मुद्दे थे, जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में कनेक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके बीच में काफ़ी एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए। इसी के साथ इंडिया और नेपाल के बीच में डिफेंस सेक्टर के बीच में काफ़ी एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से नेपाल इंडिया से काफ़ी कुछ सीख सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से टेक्नोलॉजी वगैरह उसका बेनिफिट मिल सकता है नेपाल को। इसी के साथ सिक्योरिटी के मुद्दे पर किस तरीके नेपाल है वो इंडिया से हेल्प सकता है, उन मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की। और जो वाटरवेज हैं उसके लिए भी काफ़ी अहम रोल है वो यहाँ पर फोकस किया गया। क्योंकि देखो, आपको जैसे पता है कि नेपाल है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो मतलब नेपाल के पास कोई भी ओशियन या समुद्र की सीमा नहीं है, तो ऑब्वियसली नेपाल को किसी भी कंट्री के साथ अगर मान ली ट्रेड करना है तो वो सी के रास्ते में होता है मैक्सिमली, तो उसे काफ़ी दिक्कत आ रही थी।
तो अभी उम्मीद की जा रही है कि इंडिया नेपाल को एक्सेस दे देगा, मतलब जो नदी नदी के थ्रू, ताकि नदियों के थ्रू फिर यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाएगी नेपाल को, और फिर अपना ट्रेड वगैरह है उसको और ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। तो नेपाल के लिए जो वाटरवेज की भी बात की गई, एग्रीमेंट किए गए, वो काफ़ी अच्छी बात है, और इससे नेपाल और इंडिया के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा एक तवज्जो मिलेगी, और नेपाल और इंडिया के रिलेशन काफ़ी और ज़्यादा घनिष्ठ और ज़्यादा क्लोज है वो होंगे। इसके बाद में कुछ जैसे मुद्दे थे जिनसे इंडिया और नेपाल के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो रहे थे, उन मुद्दों पे फोकस नहीं किया गया, जैसे कि नोटबंदी का इशू था। क्योंकि देखो, नोटबंदी जब हुई थी तो आपको पता है कि इंडिया और नेपाल का मेनली ओपन बॉर्डर है, तो इंडिया के लोगों के पास नेपाल के लोगों के पास इंडिया की करेंसी रहती है, तो उस टाइम पे आरोप लग रहा है कि भाई नेपाल के लोगों के पास इंडिया की करेंसी है और उनकी करेंसी अभी तक बदली नहीं गई है, तो उस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिफरेंसेज हैं। इसी के साथ चाइना की मनमानी का आरोप लगता है कि चाइना की जड़ुआ वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो इंडिया इस चीज़ का आरोप लगाता है, तो उस चीज़ पर भी बातचीत वगैरह नहीं हुई। मतलब बात है कि जो पॉजिटिव मुद्दे थे जिनसे इंडिया और नेपाल के रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं, उन चीज़ों पे इस यात्रा के दौरान फोकस किया गया था। तो ये उम्मीद की जा रही है कि भाई इस बार की जो यात्रा है ओली साहब की, वो काफ़ी अच्छी रही है। क्योंकि देखो, जब लास्ट टाइम जब ओली साहब आए थे, जब इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा था उस टाइम की बात है, तो उस टाइम पे सीन क्या था, लोगों को ऐसे लग रहा था कि यार जो एग्रीमेंट है वो तो नेपाल के चाइना के साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो ओली साहब हैं वो तो चाइना के फेवर में काम कर रहे हैं, वो तो एंटी इंडिया है। बट अभी जो उनकी यात्रा हुई है ओली साहब की इंडिया की, उस यात्रा को देख के लग रहा है कि वो कोई एंटी इंडिया नहीं है, वो भी इंडिया के साथ रिलेशन वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो राइटर का कहना है कि दोनों कंट्रीज को एक साथ मिलकर आना चाहिए और एक दूसरे के इंटरेस्ट को फोकस करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही काम वो करना चाहिए। इसके बाद में देखो, बात यह है कि रिलेशन अगर हम लगातार इंप्रूव करेंगे तो उससे हमारे जो एंटी इंडिया माहौल है उसमें भी कमी आएगी, और दोनों कंट्रीज़ का रिलेशन और ज़्यादा प्रगाढ़ है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो जाएंगे। इसके बाद में राइटर कह रहा है कि जो भी विवादित मुद्दे हैं ना, कि जो भी एक दूसरे के बीच में इश्यूज हैं, डिफरेंसेज हैं, उन डिफरेंसेज को आइडेंटिफाई करना होगा और उनका समाधान है वो करना होगा। और रही बात मधेशियों की, कि भाई मधेशियों को वहाँ पे राइट नहीं देगा, तो देखो मधेशियों के जो इश्यूज है ना, इसको इंडिया वो डिप्लोमेटिक तरीके से भी सुलझा सकता है। तो इंडिया को डिप्लोमेटिक तरीके के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट वगैरह इस तरीके की सोवरेनिटी का इश्यू करना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाने से क्या है कि सोवरेनिटी का इश्यू भी होता है, तो वो अच्छा नहीं है। तो इंडिया को क्या है कि दूसरे तरीके से यूज है मेथड है, वो दूसरे तरीके से हेल्प है वो लेनी चाहिए। इसके बाद में एक मेन इशू आता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक विवाद क्या है। इंडिया और नेपाल के बीच में एक इशू है, वह 1950 की मैत्री संधि हुई थी, जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी उसकी। क्योंकि देखो, बात यह की जा रही है कि नेपाल की जो मैत्री संधि या जो ट्रीटी ऑफ पीस थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप थी, उसको भी चेंज करने के लिए कि नेपाल काफ़ी बार, मतलब एक तरीके से बातचीत हो रही है, बट वो चेंज हो नहीं पा रही है। और नेपाल के लोग चाहते हैं कि भाई उस ट्रीटी को एक्चुअली से दोबारा चेंज किया जाए, क्योंकि उस ट्रीटी में इशू एक तो ये था सोनिटी का, कि भाई वो ट्रीटी हुई थी ना 1950 की, जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, उसमें इंडिया की साइड से तो इंडिया के एम्बेसडर थे, उन्होंने साइन किया था, जबकि नेपाल की साइड से नेपाल के प्रधानमंत्री ने, तो वो कहीं ना कहीं इक्वल नहीं है भाई। अगर ऑब्वियसली वहाँ के प्रधानमंत्री साइन कर रहे हैं, तो इंडिया के भी प्रधानमंत्री को वो साइन करनी चाहिए थी। तो इसलिए उस ट्रीटी को दोबारा इससे एक तरीके से बोला जाता है कि भाई उसको दोबारा से उसमें जो भी बदलाव वगैरह वो किए जाएँ, और फिर उनको दूसरे ढंग से साइन है वो की जाए। इसके साथ ही उसमें दूसरे तरीके के बदलाव की ये बात है कि ओपन बॉर्डर का इशू है। क्योंकि देखो, अभी आपको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो पूरा बॉर्डर है वो ओपन है, तो लोग कहीं से भी आ जा सकते हैं, कोई भी इशू वगैरह नहीं होता है। बट अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि उस ओपन बॉर्डर को थोड़ा क्लोज किया जाए, या फिर रेगुलेट तो एटलीस्ट किया जाए। क्योंकि देखो, हो क्या रहा है, अभी इंडिया के काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं, काफ़ी जो बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं वो नेपाल में चली गई हैं, और इसलिए नेपाल को थोड़ा ऐसा डर लग रहा है कि यार ऐसा नहीं हो कि जो इंडिया के लोग हैं उनका दबदबा हमारे यहाँ पर बढ़ जाए। तो इसकी वजह से थोड़ा बॉर्डर जो रेगुलेट करने की बात आ रही है, ताकि जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर भी लगाम लग सके, और जो तस्करी वगैरह जैसा माहौल है उसको भी कहीं ना कहीं रोका जा सके। और जो लैंडलॉक कंट्री की बात है, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि नेपाल है, वो भी चाहता है कि भाई उसकी खुद की नेवी हो, उसकी खुद की भी फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशंस वगैरह हो, तो इसलिए नेपाल को इन वाटरवेज के थ्रू एक्सेस है वो देनी चाहिए इंडिया को। और उनका जहाँ तक जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। इसके बाद में देखो, बात ये आती है कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो राइटर कह रहे हैं कि देखो चाइना की इन्वेस्टमेंट हालांकि बढ़ी है नेपाल में, इस बात को राइटर खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट राइटर का कहना है कि देखो चाइना है वो इंडिया को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि नेपाल की लोकेशन ही ऐसी है कि उसको इंडिया की जरूरत होगी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सारा काम चाइना से कर, क्योंकि चाइना की साइड से कनेक्टिविटी काफ़ी डिफिकल्ट है नेपाल की, तो इसलिए तीन साइड तो देखा जाए तो बॉर्डर इंडिया का ही लगता है नेपाल को, तो इसलिए इंडिया को रिप्लेस नहीं कर सकता है चाइना। और इंडिया को भी फोकस करना चाहिए कि भाई डिफरेंसेस है कहाँ पे, और उन चीज़ों को दूर करना चाहिए, चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशन की हेल्प हो या फिर दूसरे तरीके से। ऐसा नहीं है कि इंडिया को बहुत कड़े स्ट्रेटेजिक एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि देखो सारा समाधान है वो बातचीत के थ्रू हो सकता है, और जो भी विवादित मुद्दे ना उनको हमें एड्रेस करना होगा, उसके बाद हमें स्टेप उठाने होंगे। इसी के साथ ही एक बात ये आती है कि कई बार इंडिया पे भी आरोप लगते हैं कि भाई इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं वो तो साइन कर रखे हैं नेपाल के साथ, बट उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो राइटर का कहना है कि इंडिया को उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करना चाहिए, जो पुराने प्रोजेक्ट पेंडिंग चल रहे हैं ना उनके ऊपर काम करना चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए, जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए, मतलब उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम करना है, उनके ऊपर फोकस है वो करना चाहिए, और नए एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करने चाहिए।
देखो जब पुराने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होंगे और नए स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि काफ़ी सारा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पुराने प्रोजेक्ट्स उनको कंप्लीट करना होगा टाइम पे। इसी के साथ जैसे बताया कि मधेसी का अगर इशू है तो उसको डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया वो जा सकता है, और इंडिया को नेपाल के जो कंसर्न है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, और दोनों को जो बातचीत के थ्रू इस बार काफ़ी समाधान हुए उस चीज़ पे आगे फोकस करते हुए रिलेशन को और ज़्यादा आगे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, काफ़ी अच्छे इस आर्टिकल में पॉइंट्स आए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में, NIRF के बारे में। तो है क्या इस आर्टिकल में, देखो NIRF की जो रैंकिंग है वो आपको पता है कि HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा जारी की गई है, और 2016 से इस रैंकिंग की स्टार्टिंग है वो की गई थी। ये रैंकिंग क्यों स्टार्ट की गई थी, ये रैंकिंग इसलिए स्टार्ट की गई थी ताकि हमारे देश की हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है ना उसको इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि देखो अगर रैंकिंग जारी की जाएगी हर साल तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा कि यार इस बार तो उस इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग अच्छी है तो अगली बार हमें हमारी रैंकिंग वो इम्प्रूव करनी है, हमें ये करना है। तो उससे क्या होगा, आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और जो क्वालिटी एजुकेशन की वो भी बढ़ेगी। तो इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है वो टॉप जो 100 इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनके अंदर इंडिया के इंस्टीट्यूट भी शामिल है वो हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ की स्टार्टिंग वो की गई थी। और इसका जो थर्ड एडिशन है मतलब 2018 का, 2016 में भी लॉन्च एडिशन आया, 2017 में सेकंड आया, और 2018 का जो थर्ड एडिशन अभी आया रिसेंटली उसमें काफ़ी चीज़ों पर फोकस किया गया है। बट यहाँ पे राइटर उस चीज़ के बारे में एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि जो इस बार की रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसमें कुछ खामियाँ भी हैं और क्या क्या हमें स्टेप उठाने हैं। तो देखो सबसे पहले राइटर बता रहे हैं कुछ 9 पैरामीटर थे जिनके आधार पर रैंकिंग हो जारी की गई थी, और कुछ सेक्टर्स भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। जैसे इंजीनियरिंग की रैंकिंग वो अलग जारी की गई, मेडिकल सेक्टर की अलग जारी की गई है, लॉ की अलग है, आर्किटेक्चर की अलग है। तो ऐसे कुछ डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनकी अलग अलग रैंकिंग वगैरह वो जारी की गई है। बात की जाए पैरामीटर की, तो पैरामीटर की ये थे, एक तो टीचिंग की क्वालिटी को फोकस किया गया था, ट्रेनिंग देखी गई कि भाई किस तरीके की टीचर्स की ट्रेनिंग है, स्टूडेंट को प्रैक्टिकल वगैरह पे कितना फोकस किया जा रहा है, इसके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस किया जा रहा है, आउटकम जो टीचर्स का जो आउटपुट है उसको देखा जा रहा है, इसके साथ स्टूडेंट का जो प्लेसमेंट है उसको भी यहाँ पे फोकस वो किया गया, और ऑल ओवर देखा जाए तो क्वालिटी को भी यहाँ पे कंसिडर वो किया गया। मतलब बात यह है कि जो NIRF की जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को इस बार फोकस है वो किया गया है। बट यहाँ पे राइटर एक इश्यू बता रहे हैं, राइटर साहब का ये कहना है कि देखो जो ऑल इंडिया सर्वे हुआ था हायर एजुकेशन के लिए, उस सर्वे में एक चीज़ सामने ये आई कि जो सभी इंस्टीट्यूट हैं जो इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी जो भी और भी इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं उन सब ने इस रैंकिंग में उन सब इंस्टीट्यूशन ने इसमें योगदान जो पार्टिसिपेट है वो नहीं किया है। अब आप खुद जान सकते हो अगर सभी इंस्टीट्यूशन इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी का माहौल वो नहीं बन पाएगा, मतलब एक तरीके से जो पारदर्शिता की जो बात की जाती है वो सामने नहीं आ पाएगी। क्योंकि जब सभी इंस्टीट्यूशन भाग ही नहीं ले रहे हैं, जब कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो इसमें मतलब एक तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी रैंकिंग नहीं आएगी, तो पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई इसकी रैंकिंग किसे क्या रही है और इंस्टीट्यूशन कैसा है, क्वालिटी वगैरह कैसी है। तो राइटर का एक ये तर्क देना है कि भाई जो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की बात हुई थी उसके तहत जितने भी इंस्टीट्यूशन है इंडिया में 40,000 के आसपास, 50,000 के आसपास जो भी है, उन सारे इंस्टीट्यूशन को इसमें पार्टिसिपेट है वो करना चाहिए ताकि पता चले कि कौन से की हालत है वो कहाँ पे है, कौन से में कौन सी चीज़ अच्छी है, कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, तो उन सारी चीज़ों को हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि अभी केवल अप्रोक्सिमेट 3,000 के आसपास जो यूनिवर्सिटी और जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और उसमें एक चीज़ सामने आई कि जो साउथ इंडिया की जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रैंकिंग ज़्यादा रही है, इसके बाद में जो ईस्टर्न के इंस्टीट्यूशन है उनकी रैंकिंग भी अच्छी रही है। ऑल ओवर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया के इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग वो उतनी अच्छी नहीं रही है जितनी साउथ इंडिया के इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग वो रही है। तो इसीलिए इस चीज़ पर फोकस हमें करना चाहिए कि भाई जो भी इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करें उनको कंपलसरी तौर पर उसमें रैंकिंग वो जारी की जाए HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, तथा ये देखा जाए कि भाई उन इंस्टीट्यूशन में कमी कहाँ है। क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हो सकता है कोई नया इंस्टीट्यूशन हो उसकी क्वालिटी किसी सेक्टर में और भी अच्छी हो, जरूरी थोड़ी कि IIT है, ISC जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उनकी क्वालिटी अच्छी है, हो सकता है कि नया इंस्टीट्यूशन हो किसी नए एरिया पे फोकस करो वहाँ से कुछ नया सीखने को मिल सकता है। इसलिए जो भी इंस्टीट्यूशन है इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको हमें यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, और रही बात यह कि स्टूडेंट को कितना फायदा रहा उस चीज़ को भी हमें देखना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी हमें फोकस है वो करना होगा। और इसका देखो फायदा क्या होगा, इसका एक फायदा ये भी होगा अगर रैंकिंग जब भी अगर ये रैंकिंग जारी की जा रही है और अगर सभी इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो भी स्पॉन्सर होते हैं, स्पॉन्सर्स कौन होते हैं, वो होते हैं जो भी कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है उसको एक तरीके से आयोजित कराते हैं कि हाँ भाई हम इसको स्पॉन्सर वगैरह कर रहे हैं। जैसे कि हमने कॉलेज वगैरह में काफ़ी बार देखा है किसी इवेंट वगैरह को स्पॉन्सर जो लोग करते हैं, तो इसमें अगर स्पॉन्सर्स को फायदा होगा कि उनको पता चल जाएगा कि अच्छा भाई इस इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है तो इसमें हम हमारे प्रोडक्ट्स का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि प्रचार वगैरह वो कर सकते हैं, आपस में कोलाब्रेशन भी बढ़ेगा, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे से सीखेगा कि हाँ आपने ये काम इस तरीके से अच्छा किया तो आप हमारी हेल्प, मतलब एक दूसरे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस है वो करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क पे भी ज़्यादा फोकस होगा। इसके साथ ही बात है कि ऑल ओवर फायदा देखा जाए तो स्टूडेंट को भी होगा और इंडिया के इंस्टीट्यूशन वो टॉप लेवल पे भी आ जाएंगे।
अब राइटर एक दो सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि जो अप्रोक्सीमेट इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं 40,000 के आसपास, उन सभी इंस्टीट्यूशन को कॉलेजेस को इसमें पार्टिसिपेट है वो करना चाहिए। अभी बहुत कम इंस्टीट्यूशन है केवल पार्टिसिपेट है, वो क्या अप्रोक्सीमेट 3,000 के आसपास। इसी के साथ जो रैंकिंग है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी उसको और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी रैंकिंग की जारी की है वो बहुत अच्छी है, हालांकि अच्छी है अभी जितने भी डाटा है उनके अकॉर्डिंग, बट हमें उसमें और भी ज़्यादा रिफॉर्म है वो कर सकते हैं, तो हमें उन रिफॉर्म की तरफ फोकस है वो करना होगा। इसी के साथ बात ये की जाती है कि रैंकिंग के दौरान देखो हमें बहुत सी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर भी और ज़्यादा फोकस करना होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जारी की जाती है ना, तो ये क्या करते हैं टीचर्स की क्वालिटी देखते हैं, टीचर्स का एक तरीके से क्वालिफिकेशन देखी जाती है, कितना स्टाफ है, कितने बच्चे हैं, वैसी चीज़ों को काउंट आउट किया जाता है। तो राइटर का यह कहना है कि हमें लर्निंग आउटकम पर फोकस करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया राइटर ने, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो कि हमें लर्निंग आउटकम है मतलब बच्चों का आउटकम कैसा आ रहा है। बच्चे स्कूल में, बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, चाहे जो प्रिंसिपल है उसे इसके पास डिग्री हो या नहीं वो इशू नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इशू इस बात का कि उसका आउटकम कैसा आ रहा है। अगर हो सकता है कि किसी टीचर के पास डिग्री इतनी अच्छी नहीं हो, बस उसका लर्निंग आउटकम है, उसकी पढ़ाने की कैपेसिटी और भी अच्छी हो, तो हमें लर्निंग आउटकम को फोकस करना चाहिए, ना कि हमें डिग्री और क्वालिफिकेशन जैसी चीज़ों पर। हमें हमारे देश में क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हमें जो आउटपुट है वो अच्छा लेके आना है, हमें इस चीज़ को देखना है कि बच्चों में स्किल वगैरह वो सब क्रिएट की जा सकें। तो इसलिए हमें लर्निंग आउटकम के वर्ड पर फोकस करना होगा, ना कि हमें क्वालिफिकेशन, कितना स्टाफ है, इन चीज़ों पर फोकस करने की कोई इतनी ज़रूरत है वो नहीं है। इसी के साथ एक अहम बात लास्ट में राइटर के द्वारा भी फोर्ड में ये की जाती है कि देखो काफ़ी गरीब बच्चे होते हैं, कई बार वो स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को क्या है कि स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति है उसके लिए प्रावधान करने चाहिए, और स्कॉलरशिप की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, उसको भी ज़्यादा इंक्रीज हो करने की नीड है। इसके साथ ही बात की जाए तो लर्निंग के एरिया में भी फोकस करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको और ज़्यादा बूस्ट करना होगा, और एक सबसे अहम पॉइंट वो ये आता है कि हमें जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट हो, हमें उनको ऑटोनॉमी देने की बात है। क्योंकि देखो जब भी इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी दी जाएगी ना, तो अपने तरीके से रूल रेगुलेशन बना सकेंगे और फिर उनके ऊपर एक तरीके से बर्डन नहीं रहेगा। अदरवाइज उनके ऊपर बर्डन रहता है कि यार हमें ये गाइडलाइन फॉलो करनी है, अदरवाइज हम ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे ये मान्यता रद्द हो सकती है, ETC इशू रहते हैं। बट अगर उनको ऑटोनॉमी दी जाती है तो प्रॉपर ढंग से काम कर पाएंगे। इसी के साथ ही बात यह है कि वो नया स्टाफ है वो अरेंज कर पाएंगे, जो फॉरेन का स्टाफ है उसको मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट को भी फॉरेन से इन्वाइट कर सकते हैं, फॉरेन स्टूडेंट को भेज भी सकते हैं, तो काफ़ी सारे बेनिफिट इस चीज़ के होंगे। क्योंकि देखो सभी इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि यार उनकी इंस्टीट्यूशन है वो टॉप लेवल पे, तो ऑब्वियसली वो मेहनत तो करेंगे ही करेंगे, बट अगर वो सबसे अहम बात है वो है ऑटोनॉमी की, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट रूप से काम करेगा, ऑटोनॉमी रहेगी उसके पास, तो उसका रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें लगातार रिफॉर्म करने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि अभी हमारी रैंकिंग अच्छी आ रही है तो हम यहीं पर रुक जाएँ। ये था कंप्लीट आर्टिकल, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है पेटेंट के बारे में, इस आर्टिकल में एक्चुअली जो पेटेंट का फॉर्म होता है, पेटेंट फॉर्म 27 के बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। तो पेटेंट फॉर्म 27 में क्या प्रावधान है वो एक बार हम देख लेते हैं। देखो पेटेंट का जो फॉर्म 27 है इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी पेटेंट की जो जिस भी कंपनी या जिस भी को दवाई बनाने की कोई भी ऐसी कंपनी जिसको पेटेंट चाहिए, वो एक्चुअली हर साल उसको अपना पेटेंट है वो इस 27 फॉर्म के तहत रिन्यू करवाना होता है। मतलब पेटेंट अथॉरिटी के पास रिपोर्ट सारी भेजनी होती है, सारा डाटा भेजना होता है कि उन्होंने जो दवाई है उसका किस तरीके से प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, कहाँ उसकी सेलिंग हो रही है, कितनी उसकी सेलिंग हो रही है, कितना कौन सी किसी दूसरी कंपनी को, सब्सिडी कंपनी को उन्होंने इसका लाइसेंस वगैरह दिया है, ETC तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड है वो करनी होती है। तो यहाँ पे राइटर का कुछ सजेशंस वगैरह ये दिए जा रहे हैं कि देखो जो फॉर्म 27 है, जो फॉर्म 27 है इसके ऊपर एक PIL जारी की गई कि भाई इस फॉर्म की 27 की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो वो किया जा सके। क्यों? क्योंकि देखो फॉर्म 27 के तहत कई बार क्या होता है कि कुछ जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो फॉरेन की होती हैं वो क्या करती हैं, इंडिया में लाइसेंस तो ले लेती हैं, पेटेंट तो ले लेती हैं, बट वो क्या करती है दवाइयों का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करती हैं। अब आपको पता है कि अगर कोई भी कंपनी को दवाई का लाइसेंस तो मिल गया, मतलब एक तरह से पेटेंट तो मिल गया, बट अगर वो दवाई का प्रोडक्शन नहीं करे तो मतलब क्या कि दूसरी कंपनी उस दवाई को नहीं बना सकती, जब तक वो नहीं बना रही है, जब तक वो लाइसेंस है वो नॉर्मल नहीं होता उस कंडीशन में। तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि उसकी मेडिसिन की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि वो मेडिसिन बनी नहीं रही है इंडिया में, तो ऐसे काफ़ी इश्यूज आते रहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ कंपलसरी होनी चाहिए कि जिसको भी पेटेंट मिल रहा है वो दवाई का निर्माण करें और लोकल लेवल पर मेडिसिन उनको निर्माण किया जाए। क्योंकि देखो अगर लोकल लेवल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा तो इससे एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा और दवाइयाँ वो काफ़ी सस्ती भी होंगी, क्योंकि जो दवाइयाँ फॉरेन से आती हैं वो काफ़ी महंगी हो जाती हैं, उन पर टैक्सेस वगैरह लग के, तो अगर इंडिया में प्रोडक्शन होगा तो उसका फायदा ऑल ओवर इंडिया के लोगों को ही होने वाला है। तो इसलिए गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि इस पेटेंट फॉर्म 27 है उसमें जो कुछ कमियाँ उनको दूर करना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात की जाती है। ट्रिप्स एग्रीमेंट में ये प्रावधान किया गया कि जैसे कोई भी पेटेंट कंपनी है अगर वो दवाई बना रही है और उसकी डिमांड्स वो उस कंट्री की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है, जैसे एक बात ये समझ लो कि कोई भी कंट्री का एग्जांपल लो कि वहाँ पे महामारी फैल गई और कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई, मेडिसिन की जरूरत बहुत ज़्यादा है, जैसे इबोला की ले लो कि इबोला वैक्सीन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और उसके बाद वो कंपनी जो भी वहाँ पे दवाइयों का सप्लाई कर रही है वो अगर सप्लाई नहीं कर पा रही है तो उस कंडीशन में फॉरेन से उस दवाई को खरीदा जा सकता है,
चाहे पेटेंट हो या न्यू, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर एडिटर कह रहे हैं कि जो ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, और इसके साथ जो पेटेंट के रूल रेगुलेशन उनको थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और फोकस ये करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो मेडिसिन वगैरह वो इंडिया में प्रोड्यूस है वो की जा सकें। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो आज रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डाटा के डाटा प्रोटेक्शन का जो आर्टिकल था उसके दो तीन बेसिक पॉइंट डिस्कस किए। इसके साथ ही हमने इंडिया और नेपाल की जो प्रधानमंत्री की विजिट थी और जो इंडिया नेपाल रिलेशन है उनके बारे में डिस्कस किया। साथ ही हमने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किया जो कि HRD मिनिस्ट्री के द्वारा भी जारी किया गया था। इसी के साथ ही हमने पेटेंट जो एक्ट है उसमें जो कुछ प्रावधान जो कुछ कमियां हैं उनके बारे में जो फ्यू पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे देखे। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।